स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए शिक्षा, बी संगीत, सी कृषि, डी नर्सिंग। आंसर डी नर्सिंग। एक्सप्लेनेशन: समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। अगला प्रश्न। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा? ए एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन, बी स्टारलाइनर मिशन, सी पोलारिस डॉन, डी प्रेरणा 4। आंसर सी पोलारिस डॉन। एक्सप्लेनेशन: 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेसएक्स मिशन की तैयारी कर रहा है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर लॉन्च किया जाएगा। जेरेड इसाकमैन मिशन को वित्त पोषित कर रहे हैं जो उनके पोलारिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें स्पेसएक्स की स्टारशिप भी शामिल है। अगला प्रश्न। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? ए भारत और अमेरिका, बी फ्रांस और जर्मनी, सी भारत और चीन, डी भारत और फ्रांस। आंसर डी भारत और फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है, जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य बन गया। अगला प्रश्न। पुरुष एकल 2024 US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? ए डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी जननिक सिन्हा, डी टेलर फ्रिट्स। आंसर सी जननिक सिन्हा। एक्सप्लेनेशन: US ओपन 2024 चैंपियनशिप 19 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्लशिंग मीडोज, क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई थी। इटली के जननिक सिन्हा ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्स को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर US ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब जीते। वहीं बेलारूस की आर्यना सबालेका ने US ओपन के फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में 7-5, 7-5 से हराकर महिला एकल खिताब जीते। ये जननिक सिन्हा और आर्यना सबालेका का पहला US ओपन खिताब था। अगला प्रश्न। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 से भारत को कितना आर्थिक लाभ हुआ? ए 1.20 अरब डॉलर, बी 1.39 अरब डॉलर, सी 1.50 अरब डॉलर, डी 1.60 अरब डॉलर। आंसर बी 1.39 अरब डॉलर। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन से भारत को 1.39 अरब डॉलर, करीब 11,637 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वनडे विश्व कप को रिकॉर्ड 12,50,000 दर्शकों ने स्टेडियम में देखा। मेजबान शहरों में पर्यटन के क्षेत्र में 86 करोड़ 14 लाख डॉलर का राजस्व सृजन हुआ, जिसमें आवास, यात्रा, परिवहन और खाद्य एवं पेय पदार्थ शामिल हैं। विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु मानदंड क्या है? ए 60 वर्ष और उससे अधिक, बी 65 वर्ष और उससे अधिक, सी 70 वर्ष और उससे अधिक, डी 75 वर्ष और उससे अधिक। आंसर सी 70 वर्ष और उससे अधिक। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ए अल नजार, बी वरुण, सी डेजर्ट ईगल, डी इंद्र। आंसर ए अल नजार। एक्सप्लेनेशन: भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजार का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अभ्यास के लिए कुल 60 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हुई है।
अभ्यास अल नजा 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों पीटीए की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ए पीएम ई बस सेवा योजना, बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, सी स्मार्ट सिटी मिशन, डी फेम इंडिया योजना। आंसर ए पीएम ई बस सेवा योजना। एक्सप्लेनेशन, पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों पीटीए की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने पीएमई बस सेवा योजना शुरू की है। इस योजना को 16 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को पीएमई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र पीएसएम योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनलाइन परमिट आईएलपी लागू किया गया है? ए न्यूएंसांग, किफिरे और लॉन्गलेंग, बी चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर, सी कोहिमा, मोन और फेक, डी मोकोकचुंग, जुन्हेबोटो और वोखा। आंसर बी चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। एक्सप्लेनेशन, नागालैंड राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2024 को चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में आईएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इनलाइन परमिट आईएलपी संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी पेशेवरों और व्यावसायिक साझेदारों सहित कुछ समूहों को राज्य में रहने के उनके उद्देश्य के आधार पर 2 से 5 साल के लिए वैध इनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में 80% आरक्षण के साथ आदिवासी छात्रों के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? ए नागपुर, बी मुंबई, सी नासिक, डी पुणे। आंसर सी नासिक। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र में जल्द ही नासिक जिले में आदिवासियों को समर्पित एक विश्वविद्यालय होगा जो किंडरगार्टन केजी से लेकर स्नातकोत्तर पीजी स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण स्किल्स ट्रेनिंग प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य आदिवासियों को आदिवासी बने रहने देना नहीं है बल्कि उन्हें दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पहल है जो राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1984 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 377। आंसर ए अनुच्छेद 343। एक्सप्लेनेशन, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पूरे भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? ए फ्रीडम आइलैंड, बी श्री विजयापुरम, सी नेताजीपुरम, डी चोलनगर। आंसर बी श्री विजयापुरम। एक्सप्लेनेशन, सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर को उस द्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न, उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? ए विक्रांत, बी अर्जुन, सी जोरावर, डी भीष्म। आंसर सी जोरावर। एक्सप्लेनेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय लाइट माउंटेन टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस 25 टन के एयर ट्रांसपोर्टेबल टैंक को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ये खूबी चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय सेना 350 जोरावर टैंकों को तैनात करने की योजना बना रही। अगला प्रश्न, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? ए कृषि विज्ञान, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी राजनीति। आंसर डी राजनीति। एक्सप्लेनेशन, वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 लगातार कार्यकालों तक इस पद को संभाला। येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग $23.2 बिलियन है, जिसके साल 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।